जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली एक नोटिस जो वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, एक नोटिस वायरल हो रहा है कल से या शायद आज से। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे नोटिस भेज दिया है कि सर ये सच है या नहीं, आप वीडियो बना दो। तो सबको मैं उधर जवाब नहीं देके इधर दे देता हूँ, ताकि और भी जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो SSC JD के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको भी पता चल जाए कि ये नोटिस वायरल हो रहा है, ये सही है या नहीं। तो वायरल जो नोटिस हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि एक गर्भवती किसी लड़की है, उसका मेडिकल होना था जनवरी फरवरी मार्च में, जब मेडिकल हुआ था उस महीने में होना था। तो उस समय वो गर्भवती होने के कारण अब उनका वापस से नहीं मेडिकल 7/12/2020 को, यानी दिसंबर के महीने की 7 तारीख को होगा। तो इससे घबराने का रीज़न ये है दोस्तों कि सबको बता, अगर 7 को उसका रीमेडिकल होगा तो फिर मेरिट और डिले हो जाएगी। इसी वजह से सब घबरा रहे हैं कि अगर 7 तारीख को ये रीमेडिकल है या ये मेडिकल है, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर फाइनल मेरिट और लेट हो सकती है। तो दोस्तों, इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर इसके बताऊँगा कि इसकी इसमें कितनी सच्चाई, कितना ये झूठ है, कितना दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे आज इस जानकारी का। साथ ही बता दूँ, अगर आप SSC JD या आर्मी किसी की भी तैयारी करते हो तो चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको पुरानी से नई टोटल अपडेट मैं देता हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, पर्सनली बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, उसमें मेरे को फॉलो कर लीजिए। और आने वाले 2-4 दिनों में मैं एक टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, उसमें आपको नई वैकेंसी के लिए टोटल जानकारी और साथ में तैयारी के मटेरियल जैसे GK मैथ इनके PDF मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिस की। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों शुरुआत में कि 13/2/2020 में गर्भवती रहने के कारण अस्थाई का पुनः विस्तृत चिकित्सा प्रशिक्षण कराने के संबंध में, मतलब ये नोटिस जारी, तो राष्ट्रभित विषयगत सूचित किया जाता है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति हेतु कर्मचारी चयन आयोग, मतलब SSC JD आयोजित सिपाही JD 2018 के दौरान भर्ती केंद्र ग्रुप केंद्र एक, जो ग्रुप सेंटर है CRPF का अजमेर में, दिनांक 9 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक आयोजित विस्तृत चिकित्सा प्रशिक्षण एवं दस्तावेजों की जांच की गई थी। आपको दिनांक 18/1/2020 को गर्भवती होने के कारण आपको चिकित्सा प्रशिक्षण में अस्थायी, मतलब पुनः विस्तृत चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु वहीं पे, मतलब दिनांक 7/12/2020 को 9 बजे के रिपूबल अजमेर, जो ग्रुप केंद्र फर्स्ट है, उसमें आयोजित किया जाएगा। इसमें यह लिखा हुआ दोस्तों, मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको एक एक लाइन। इसमें यह लिखा हुआ कि मतलब आप जो जनवरी महीने में कितनी, 9 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक, यहाँ पर ग्रुप सेंटर एक है जो CRPF का अजमेर में, वहाँ पर जो लड़कियों का जो मेडिकल हुआ था उसमें आप 18 जनवरी 2020 को गर्भवती मतलब पाए गए थे, इसलिए आपका उस समय मेडिकल नहीं हुआ और इसी संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। तो आपको 7/12/2020 को 9 बजे वापस आपका मेडिकल किया जाएगा, इसके लिए ये लिखा गया है। तो इसको ये वायरल करें, और क्या लिखा हुआ है, अतः आप दिनांक 7/12/2020 को प्राप्त 9 बजे इस ग्रुप केंद्र में गठित अधिकारियों की समिति के समक्ष अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होगा, सुनिश्चित करें। चिकित्सा जांच एवं दस्तावेज जांच प्रक्रिया 1 से 2 दिवस का समय लग सकता है, जिस हेतु आपका स्वयं व्यवस्था करना होगा। तो दोस्तों इस जो नोटिस है ये वायरल हो रहा है, इसमें ये लिखा गया है कि मतलब आपका 7/1/7/12/2020 को वापस से रीमेडिकल होगा, क्योंकि उस समय आप प्रेग्नेंट थे इसलिए आपका ये मेडिकल नहीं हुआ है, तो ये वापस मेडिकल। अब इसकी वजह से मैंने बताया दिया, इसकी घबराने का वजह ये है कि अगर 7 तारीख को अगर वापस मेडिकल हुआ तो उसके बाद में 2 महीने और पकड़ के चलो, मेरिट अगले 2 महीने लेट हो जाएगी, 2 महीने नहीं तो 1.5 महीना तो पक्का लेट हो जाएगी, इसीलिए आपका घबराने का रीज़न भी यही है। अब दोस्तों, इसमें जो गलती की गई है, अब मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई कितनी है, फिर आप खुद डिसाइड करना। इसकी मोटा मोट जो सच्चाई बता दूँ, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 13/2/2020 में गर्भवती रहने के कारण, 13/2/2020 में गर्भवती रहने के कारण, मतलब आपको अस्थायी रूप से
अभ्यर्थी को पुनः विस्तृत चिकित्सा प्रशिक्षण कराने के संबंध में ये दिया गया है। दूसरा इसमें जो गलती है, बहुत बड़ी गलती है, कि एक तो इसमें देखो कहीं पे भी किसी का नाम वाम नहीं आ रहा है कि भाई ये है आपका, केवल एक ही कैंडिडेट का है तो उसका नाम भी आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसकी सच्चाई क्या है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, शायद आपको नहीं देख पा रहे हो, मैं इधर लगा रहा हूँ साइड में, आप देखना इसमें कि लिखा हुआ है नीचे, जब कंप्लीट हो जाता है इसके साइड में कोने में देखिए जहाँ पर साइन किए हुए हैं, केरीपू पुलिस बल महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र एक केरीपू बल अजमेर, यहाँ पर जो साइन किया हुआ है दोस्तों, अगर मुझे एक बात बताइए कि आपकी टेंथ क्लास की मार्कशीट, आपकी ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट जैसे आप लेके जाते हो, ये किससे प्रूव होता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है, टेंथ क्लास की मार्कशीट, या आपने सरपंच से अगर कोई चीज़ रजिस्टर्ड कराई, जैसे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जाओगे तो पुलिस थाने से या SDM से, तो जैसे आप मेरे पास में अगर लेके आते हो तो मैं कैसे पहचान लूंगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? उसका रीजन क्या होता है, उसके पीछे क्या देखा जाता है कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है या नहीं? आपने बहुत बार अटेस्टेड करवाई होगा, जैसे स्कूल टाइम में, या जो बोलते हैं हर एक डॉक्यूमेंट्स कई बार आपको गवर्नमेंट टीचरों से या गजेटेड ऑफिसरों से अटेस्टेड कराना पड़ता है, तो कैसे प्रूव होता है कि हाँ भाई ये ओरिजिनली अटेस्टेड है और किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने अटेस्टेड किए? किससे पता चलता है? मोहर से ही पता चलता है ना, जो मोहर मारते हैं, गवर्नमेंट सील जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ उप महानिरीक्षक यानी DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, तो दोस्तों अगर उन्होंने साइन किया तो उनकी सील कहाँ है इसमें? सील कहाँ है? मोहर तो होगी ना उनकी, बिना मोहर के कोई भी डॉक्यूमेंट्स आया कि आज तक आपको गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा उस पर भी सील लगी हुई आएगी। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बता दो तो आपको गवर्नमेंट का जिसपे बिना मोहर के आता है, इस पर कहीं सील नहीं है, कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट मोहर नहीं है दोस्तों, तो मेरे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, 101% फेक न्यूज है। मैं ये नहीं बोलता कि मेडिकल हुआ या नहीं हुआ या होगा इसके बारे में, लेकिन ये जो नोटिस वायरल कर रहे हैं ये बिल्कुल फेक है, आप बिल्कुल इस पर बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी सील नहीं। अगर किसी के पास है ओरिजिनल तो दिखाए प्रूव करने के लिए, जिसपे सील लगी हुई हो गवर्नमेंट की। ऐसे फालतू के वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, अगर कोई ये वीडियो बना रहा है और बता रहा है इसको सही, अभी अनफॉलो कर दीजिए उनको, क्योंकि वो सिर्फ फेक न्यूज़ बांट रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी कर ही देते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, और इसकी पूरी की पूरी जो सच्चाई है इस नोटिस की, अगर ये अजमेर में बात हो, इसकी पूरी की पूरी क्लियर करके फुल क्लिप के साथ विद प्रूफ आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। अगर ये सच हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। मेरे ख्याल से 100% डुप्लीकेट है। अगर बाय चांस मैं अभी अजमेर से वहाँ से पता कर लूँगा ये सच हुआ तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि हाँ ये सच है, लेकिन ये नोटिस है ये तो पूरा ही फेक है। अगर और कोई होता पता करके आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर सच हुआ तो ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका मतलब। लेकिन ये नोटिस है ये तो पूरा का पूरा फेक है, 101% फेक है, क्योंकि यहाँ पर कोई सील नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स विदाउट सील नहीं है। अगर कोई DIG है तो उसका क्या गारंटी है DIG है? नीचे लिख दिया अगर DIG, क्या वो DIG हो गया? DIG की सील भी होनी चाहिए, मोहर भी, बिल्कुल। तो इस पर कोई मोहर नहीं, जिसने भी बनाया है इतना दिमाग लगा लेता कि बिल्कुल झूठा। तो दोस्तों आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रही, जुड़ते रहिए चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो या ऐसा कुछ भेज सकते हो आप मेरे को, उस पर मैं जरूर वीडियो बना के बता दूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।